सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लाए हैं यमहा MT-15 वर्जन 2.0, जो कि नए कलर थीम के साथ प्रेजेंट है, नए ग्राफिक्स के साथ प्रेजेंट है। तो आज हम आपको इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे और वॉक अराउंड देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर देखिएगा। When you call my line, who did you even need to talk? Are you wasting time declining all your face some calls? Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running, I'm running, I'm running away. Running away, running away. I'm looking, I'm looking, I'm looking for space. Looking for space, looking for space. I'm healing, I'm healing from all of the pain. All of the pain, all of the pain. I'm running, I'm running, I'm running away. Cause I feel lost right now. And it's hard to breathe. तो फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में हमें LED हेडलाइट का सेटअप मिलता है। तो आपको ऑन करके दिखाते हैं। ये आपको DRL जो मिलता है वो LED में मिलता है, और ये हमें प्रोजेक्टर जो मिलता है वो भी LED में है। तो इंडिकेटर्स की बात करें तो हमें इंडिकेटर बल्ब में प्रेजेंट किया गया है। तो एक बार आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए। तो सस्पेंशन की बात करें तो इस बाइक में हमें USD फोक मिल रहा है। तो पुराने वाले में हमें ये टेलीस्कोपिक फोक मिलता था, इस बाइक में हमें नया सस्पेंशन दिया गया है। तो टायर्स की तरफ आएँ तो टायर्स हमें 100x80 का मिलता है और 17 इंच का अलॉय मिलता है। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक प्रेजेंट है, और हमें ये ABS के स्टिकर यहाँ पे मिलता है। और ये फेंडर हमें ये ग्रे कलर का दिया गया है, इस तरफ से भी ABS के स्टिकर मिलता है। तो हैंडल पे आते हैं तो हमें हाई बीम, लो बीम और ये पास स्विच मिलता है। ये हॉर्न और ये राइट लेफ्ट इंडिकेटर मिलता है। ये क्लच, और हमें इस बाइक में सिंगल हैंडल मिलता है। तो ये रहा इग्निशन ऑन ऑफ और ये सेल्फ स्टार्ट। तो मीटर को ऑन करते हैं तो ये हाई बॉडी करके लिखाते हैं। तो हमें ये बाइक में डिजिटल मीटर मिलता है। तो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गॉज, गियर इंडिकेटर, गियर शिफ्ट टाइमिंग, ये सारा कुछ हमें मिलता है इस बाइक में। और ये रहा हमारा RPM मीटर, ये रहा स्पीडोमीटर, ये एवरेज किलोमीटर, ये सारा कुछ बताता है। ये गियर इंडिकेटर इस बाइक में हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलता है। वापस से जब ऑन करोगे तो यहाँ पे हमारे इंडिकेट करता है, ये देखो, ये ऐप, ये बैटरी, फ़ोन कॉल, ये सारा कुछ बताता है। तो मतलब इसमें वाई कनेक्ट के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया गया है। तो इस बटन को प्रेस करने पर ये एवरेज किलोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, क्लॉक, ये सारा कुछ बताता है। और इस बटन से हम ये क्लॉक वगैरह रीसेट कर सकते हैं, इस ट्रिप वगैरह सारा कुछ रीसेट कर सकते हैं। तो मीटर को ऑफ़ करते हैं। तो टैंक की बात करें तो हमें 10 लीटर का टैंक मिलता है। ये हमें MT-15 का मोनोग्राम मिलता है, मतलब लोगो टाइप से स्टिकर वगैरह मिलता है। तो इस तरफ से देखिए तो यहाँ पे हमें MT का ये डिज़ाइन मिलता है, M लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे MT-15 का ग्राफिक्स मिलता है, और ये यहाँ इसको पूरा ब्लैक कर दिया गया है, जिसके कारण ये काफ़ी सही लग रहा है देखने में। यहाँ पे हमें यमहा का लोगो मिलता है, और ऐसा तो यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स पीछे की तरफ नहीं मिलता है, उस तरफ से आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स। तो ये देखिए यहाँ पे MT-15 का ग्राफिक्स, और ये M का मतलब M डिज़ाइन मिलते हैं, और यहाँ पे हमें लोगो मिलता है यमहा का। और इस तरफ भी हमें MT का यहाँ पे लोगो मिलता है, MT लिखा हुआ मिलता है, और इंजन की तरफ हमें यमहा लिखा हुआ मिलता है। और ये पीछे तरफ देखें तो यहाँ पे हमें यमहा का ग्राफिक्स दिया गया है, रेड, ब्लैक और ये ग्रे कलर में दिया गया है, इस तरफ से भी मिलता है। तो ये देखिए, ये थोड़ा नीचे की तरफ है तो ऐसे ऊपर से तो दिखेगा नहीं, साइड से देखिएगा तब दिखेगा। तो सीट की बात करें तो सीट हमें काफ़ी अच्छा कुशन मिलता है, जबकि स्पोर्ट्स बाइक है तब भी इतना अच्छा कुशन मिल रहा है। तो पिलियन सीट की बात करें तो पिलियन सीट थोड़ा सा छोटा मिलता है, पर काफ़ी मतलब सही है, ठीक ही ठाक है, मतलब साइज़ के हिसाब से सही है। और ये हमें कुछ रेस्ट मिलता है जो बैंड टाइप से है, जिससे जो हमें प्रोटेक्ट करता है फिसलने से। और ये सीट काफ़ी नीचे तक गया है, जिससे कि थाई पे भी आपका ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है।
और ग्रैब व्हील की बात करें तो एम टी 15 का ग्रैब व्हील का तो अलग ही मतलब अलग ही निकाला गया था, ये ऊपर से देखिए काफ़ी अलग ही लगता था एम टी 15 का ग्रैब व्हील। तो फुटपेक्स की बात करें तो फुटपेक्स हमें ये फोल्डेबल मिलता है, इस तरफ का भी फुटपेक फोल्डेबल मिलता है, काफ़ी अच्छा फुटपेक्स है। और साइलेंसर तो हमें पुराना वाला ही मिलता है, मतलब जैसे ओल्ड मॉडल में आता था V1 में आता था वैसे ही है। यहाँ पे हमें कार्बन फाइबर का फिनिश मिलता है यहाँ से यहाँ तक, जो कि लुक काफ़ी अच्छा बढ़ा देता है। और ये हमें सिल्वर कलर में मिलता है, तो इस तरफ से भी फुटपेक आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए। और इस तरफ हमें साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच और 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। तो रियर टायर की बात करें तो हमें 140x70 का टायर और 17 इंच का एलॉय मिलता है, सिंगल चैनल EBS है। तो पीछे की तरफ हमें सिर्फ डिस्क ब्रेक दिया गया है इस बाइक में। तो सस्पेंशन की तरफ आएँ तो हमें मोनोक्रॉस सस्पेंशन इस बाइक में मिलता है, जो कि येलो कलर में है, तो मतलब पीछे से लुक काफ़ी सही लगता है, मतलब अलग ही लगता है पीछे से देखने पे। तो टेल की बात करें तो हमें LED टेल लाइट पीछे की तरफ मिलता है, और हमें इंडिकेटर बल्ब में दिया गया है। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर मिलता है, और ये नीचे की तरफ हमें ये नंबर प्लेट का लाइट मिलता है। इस तरफ से देखें तो इस तरफ भी हमें रिफ्लेक्टर मिलता है, ये दोनों तरफ, और ये दोनों तरफ रिफ्लेक्टर मिलता है। उस तरफ हमें टायर हगर और सारी गार्ड भी मिलता है इस बाइक में। तो इस बाइक की मेन चेंजेस की बात करें तो पहला चेंज तो हमें USD फोक का मिल रहा है, ये वर्जन 2.0 में ही मिल रहा है, पहले वाले में हमें टेलीस्कोपिक फोक मिलता था। तो ये देख सकते हो ये येलो कलर का है, तो ये हमें USD फोक मिलता है। तो दूसरे चेंजेस की बात करें तो इस बार हमें स्विंग आर्म हमें एलुमिनियम स्विंग आर्म मिल रहा है, जो कि पहले वाले में नहीं मिलता था। तो तीसरे चेंजेस की इस बाइक में बात करें तो हमें ये टेल लाइट हमें थोड़ा मतलब टेल लाइट का हाइट को थोड़ा ऊपर किया गया है, ऐसा कंपनी वाले क्लेम कर रहे हैं कि इसको थोड़ा ऊपर किया गया है। तो फोर्थ चेंजेस की बात करें तो फोर्थ चेंजेस हमें ये इस बाइक में वाई कनेक्ट के साथ मिल रहा है, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये बाइक मिल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो ऐप, ये फ़ोन कॉल वगैरह, टाइम वगैरह, ये सारा कुछ बताता है, जिससे कि आप मतलब ये कंफर्म कर सकते हो कि इस बाइक में हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रहा है। तो फिफ्थ चेंजेस की बात करें तो हमें ये ग्राफिक्स का चेंजेस किया गया है इस बाइक में, लुक को और काफ़ी अच्छा करने के लिए। तो ये MT 15 का लोगों को मतलब लोगो लाया गया है, MT 15 का ग्राफिक्स वगैरह चेंज किया गया है। पीछे की तरफ यहाँ पे Yamaha का स्टिकर दिया गया है, पहले वाले में ये सारा कुछ नहीं मिलता था। तो इस बाइक में टोटल हमारा 5 चेंजेस किया गया है, चेंजेस तो काफ़ी अच्छा है। और इंजन की बात करें तो हमें 155cc का इंजन मिलता है, लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक HVAC 4-वॉल्व इंजन है, सिंगल सिलेंडर के साथ ये बाइक प्रेजेंट है। पावर की बात करें तो 18.4 PS का पावर मिलता है, और 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस बाइक में मिलता है। लिक्विड कूल्ड इंजन है, सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन के साथ ही ये बाइक मिलता है, किक स्टार्ट तो है नहीं इस बाइक में। तो FI इंजन है। क्लच की बात करें तो हमें वेट मल्टीप्लेट डिस्क क्लच मिलता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स इस बाइक में दिया गया है। इस बाइक में हमें साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिलता है, अभी तो बाइक न्यूट्रल पे है, और जैसे गियर हम डालेंगे वैसे ही बाइक ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। और यहाँ पे हमें फर्स्ट गियर दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए। तो इस बाइक की कर्व वेट की बात करें तो हमें 139 kg का ये बाइक मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हमें 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में दिया गया है। सीट हाइट की बात करें तो हमें 810 mm का इस बाइक का सीट हाइट मिलता है, थोड़ा सा तो ऊँचा है ज़रूर बाइक ये, मतलब अच्छा खासा लंबा आदमी लोग को भी थोड़ा ये दिक्कत होता है इस बाइक पे बैठने में। इस बाइक की प्राइस की बात करें तो हमें 1,95,700 हमें ऑन रोड इस बाइक का प्राइस पड़ रहा है झारखंड में। तो बाइक तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, नया लुक के साथ प्रेजेंट किया गया है, USD फोक, नया नया चेंजेस दिया गया है, ग्राफिक्स वगैरह का सारा कुछ का चेंज है। तो बाइक तो काफ़ी अच्छा है। तो होप सो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।